पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, युवा कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा चंडीगढ़ में मौजूद है, बातचीत करेंगे। दिव्यांशु, अगर कहा जाए यूथ कांग्रेस, तो यूथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगली अब कदम, रणनीति, राजनीति कहाँ जा रही है, क्या कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा युवा कांग्रेस इस यात्रा से पहले भी हमारा जो मेन फोकस था वो संगठन निर्माण को लेके था। जैसा कि चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से हमारे विधानसभा स्तर तक हमारी जो कमेटी बन के आई है, लेकिन इसे ब्लॉक स्तर तक, नीचे वार्ड स्तर तक ले जाने की हमारी जिम्मेवारी है, और उसी को लेकर अगले कुछ समय हम अपने संगठन पे फोकस करेंगे, संगठन निर्माण करेंगे, ताकि आने वाले समय में चाहे वो किसी मुद्दे को उठाने की बात हो, चाहे वो किसी प्रदर्शन करने की बात हो, तो मजबूती से हमारी इकाई हर गाँव में, हर वार्ड में हमारी युवा संगठन हमारा पहुँचे। इसी उद्देश्य से हरियाणा युवा कांग्रेस अगले एक महीने के अंदर अपनी जो इकाई है वो हम निचले स्तर तक ले जाने का काम करेंगे। दिव्यांशु, भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, राहुल जी जिस मकसद से कन्याकुमारी से चले थे, मुझे लगता है कि वो मकसद पूर्ण रूप से उन्होंने हासिल किया है। जिस प्रकार से यात्रा प्रदेश दर प्रदेश होते हुए आज ये पंजाब में है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में, जैसा कि 30 जनवरी को ये यात्रा का समापन होगा। एक जो हमारे देश के अंदर, अगर मैं सिर्फ हरियाणा की बात करूँ, तो इस समय हरियाणा के अंदर जो नफरत का माहौल है, जो लोगों को धर्म और जात के नाम पर बीजेपी ने बांटने का काम किया है, चाहे वो किसी चुनाव की बात हो, चाहे किसी और विषय की बात हो, लोग आज कहीं ना कहीं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। उन लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से, ये हरियाणा की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर भी लोगों को धर्म के नाम पर लोगों को बांटा हुआ है, केरला में भी लोगों को धर्म के नाम पर बांटा हुआ है। तो वो एक मकसद से जो चले थे, जो लोगों के मन में एक नफरत का जहर घोलने का काम बीजेपी ने किया था, उस नफरत के जहर को मोहब्बत से काटने का काम जो राहुल गांधी ने जिस मकसद से वो शुरू हुए थे, मुझे लगता है कि वो कामयाब हुए हैं। और ख़ास तौर पर अगर मैं हरियाणा की बात करूं, तो जो मेवात, सोना, फरीदाबाद और उसके अलावा जो जीटी रोड बेल्ट पे यात्रा निकली, मुझे लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर कहीं होगा तो हरियाणा कांग्रेस को होने वाला है। यूथ कांग्रेस का आदर्श जो है वो मानी बड़ी कांग्रेस मानी जाती है। बड़ी कांग्रेस में फूट किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब मंचों पर सुरजेवाला हों, शैलजा हों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, कैप्टन अजय यादव हों, किरण चौधरी हो, अधिकांश नेता नज़र तो आने शुरू हुए। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। हरियाणा कांग्रेस पूर्ण रूप से एकजुट है, और जिस प्रकार से आपने अभी बात रखी कि पूरी यात्रा के दौरान सभी नेता एक दूसरे के साथ हंसते खेलते, जिस प्रकार की फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और राहुल गांधी जी के साथ, पूछने का मतलब कि फोटो से आगे भी बढ़ेंगे या वहीं तक रहेंगे? राहुल गांधी जी के साथ कदम ताल करके प्रत्येक हरियाणा कांग्रेस के नेता ने इस यात्रा को सफल बनाने का काम किया है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और पीसीसी अध्यक्ष उदय भान जी और दीपेंद्र जी ने जो मेहनत करी इस यात्रा को लेकर, जिस प्रकार से हम लगातार देख रहे थे कि उन्होंने यात्रा के आने से पहले लगातार अलग अलग जिलों में जाकर जो मेहनत करी है, जो लोगों को सक्रिय कराया है, उसके बाद पानीपत महारैली, जब राहुल जी ने ये बात करी कि पानीपत की रैली जो है इतनी सफल रैली हुई, तो उसके लिए मैं पूरी कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूँ। और पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी एक साथ है, और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार से जो हमारे सभी नेता एकजुट होकर इस भाजपा सरकार को इस प्रदेश से, इस देश से भगाने का काम करेंगे। 2024 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, यूथ कांग्रेस क्या अपनी टिकटों का हिस्सा मांगेगी? देखिए, आज जो सबसे बड़ी बात है वो इस प्रदेश के लोगों को इस सरकार से छुटकारा दिलाने की बात है। हमारी ये सक्रिय भूमिका रहेगी, जिस प्रकार से पहले भी हम लगातार जन मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को सरकार के सामने मुखर होकर उठाते रहे, उसी भूमिका में युवा कांग्रेस रहेगी। और बिल्कुल ही हमारी पारिवारिक बात है, हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है। जो हरियाणा युवा कांग्रेस का साथी, चाहे वो किसी भी पद पर है, अगर वो साथी काबिल हुआ, तो जरूर उसको जो पार्टी की तरफ से जो मौका दिया जाना चाहिए, उसकी मजबूती से पैरवी भी करेंगे, और पार्टी प्लेटफॉर्म पर उसकी बात बढ़िया तरीके से उठाने का काम भी हम। मिशन 2024, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर, यूथ कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, लोगों में जाएगी? देखिए, आज जो मुझे लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा आज के समय जो ये परिवार पहचान पत्र का मुद्दा है। आज आप देखिए, हरियाणा के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में सीएससी सेंटरों पे और राशन कार्ड के जो केंद्र हैं, वहां पर लाइनें लगी हुई हैं। गरीब आदमी इतना परेशान हो चुका है, सरकार ने इतनी बदहाली हो चुकी है। मैं कल ही सोनीपत में था, मैंने सोनीपत में वहां पर जो सीएससी सेंटर, वहां बाहर का मैंने नज़ारा देखा, बुजुर्ग आदमी इतने ठंड के अंदर लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। सरकार ने ये परिवार पहचान पत्र के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने का काम किया है। जो सरकार ने क्राइटेरियाज बनाए हैं, जिसके तहत ये परिवार पहचान पत्र, जो उनकी इनकम का सोर्स लिखा गया 1,80,000, उसके तहत गरीब आदमियों के साथ धोखा हो रहा है।
जो सर्वे किए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आज गरीब आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है और सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि जो गरीब तबका है, जो खास तौर पे एससी और बीसी समाज के लोग हैं, वो आज सरकार से बहुत नाराज हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे मुख्य मुद्दा इस समय हरियाणा के अंदर जो है वो परिवार पहचान पत्र का है, जिसको लेकर हम आने वाले समय में सरकार के सामने आंदोलन भी करेंगे और इसकी रणनीति तैयार करके सरकार को घेरने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये है दिव्यांशु बुद्धि राजा। परिवार पहचान पत्र को लेकर कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरने की तैयारी युवा कांग्रेस की लगती है। राहुल गांधी की यात्रा को एक उपलब्धि बता रहे हैं और मान रहे हैं कि कांग्रेस में कोई भी इस वक्त फूट नहीं है, सभी नेता एकजुट हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।